Assalam-o-Alaikum दोस्तों, वेलकम है उर्दू डिस्कवरी में। दोस्तों, मुगल बादशाहों को खूबसूरत इमारतें तामीर कराने और बाग लगवाने का बहुत शौक था। उन्होंने मुख्तलिफ बागात, इमारतें, मकबरे और किले बनवाए, जिन्हें देखकर हैरत और खुशी होती है। मुगलों की एक यादगार लाहौर का शालामार बाग भी है, जो शाहजहां ने अपने मशहूर मीर इमारत अली मर्दान खान की निगरानी में लगवाया था। शाहजहां खास तौर पर खूबसूरत इमारतें तामीर कराने का बड़ा ज़ौक रखता था। वो चाहता था कि कश्मीर के शालामार बाग की तर्ज पर लाहौर में भी एक शानदार बाग लगाया जाए। अली मर्दान खान ने बड़ी जस्तजू के बाद उस जगह का इंतखाब किया जहां ये बाग लगाया गया है। उस बाग को सैराब करने के लिए दरियाए रावी से माधोपुर के मकाम पर एक नहर निकाली गई। शालामार की तामीर 1637 में शुरू हुई और ये 5 साल में मुकम्मल हुआ। कोई 6 लाख रुपए उस पर सरफ हुए। नहर की तामीर के अखराजात अलग थे। बाग के मुकम्मल होने पर 1642 में शाहजहां लाहौर आया और उस बाग की खूबसूरती, उसकी शानदार इमारतें, हमाम, बारादरी, आबशार, तालाब, संगमरमर और संगयशब के तख्त और फुवारे देखकर बहुत खुश हुआ। शालामार बाग के 7 तख्ते थे, आजकल सिर्फ 3 तख्ते बाकी रह गए हैं। 4 तख्ते ज़माने के हाथों उस तरह मिटे कि उनका निशान भी नहीं मिलता। जो 3 तख्ते बाकी हैं, उनमें से पहले का नाम फैज़ बख्श है। उसकी चंद शाही इमारतें अब तक महफूज हैं। एक इमारत का नाम निकार खाना है। कहते हैं कि बादशाह उसमें बैठकर फौज का मुआयना करता था। बाग का असली दरवाज़ा बेहद शानदार था, जो बाद में गिरा दिया गया। मौजूदा दरवाज़ा अंग्रेज़ों का बनवाया हुआ है। यहाँ पहले ख्वाबगाह थी, जो संगमरमर की बनी हुई थी। बारादरी देखने की चीज़ है। किसी ज़माने में यह संगमरमर की सिलों पर कीमती पत्थरों के नक्श व निगार से मुयज़न थी, मगर अब उनमें से एक पत्थर भी बाकी नहीं, लोग लूट कर ले गए। बारादरी के नीचे आबशार जारी है। उसका पानी तख्त के नीचे से होकर बड़े तालाब में चला जाता है। आबशार और तख्त दोनों संगे मरमर के हैं और दोनों दूसरे तख्ते की जीनत हैं, जिसका नाम हयात बख्श है। उसमें एक बड़ा हौज़ है जिसमें बहुत से फुवारे लगे हुए हैं। हौज़ के वस्त में संगे मरमर का चबूतरा है। उसके शुमाल की तरफ एक इमारत है जिसका नाम सावन बादू है। उसके अंदर 5 फुहारे हैं। दीवारों में छोटे छोटे तांकचे बने हुए हैं, जिनमें रात के वक्त चिराग जलाकर रखे जाते थे। जब पानी हौज से होकर तांकचों में आता और फुहारों से दीवारों पर गिरता, तो चिरागों की झिलमिलाहट से बिल्कुल सावन बहादुर की बारिश और बिजली की चमक का समा दिखाई देता। तीसरे तख्त का नाम फरत बख्श है। उसमें भी एक हौज है जिसमें बहुत सारे फुहारे लगे हुए हैं। यह मुग़ल बादशाहों की अजमत की मुंह बोलती यादगार है। हुकूमत पाकिस्तान ने उसकी हिफाजत का ऐसा इंतजाम कर रखा है कि उसकी मौजूदा खूबसूरती और दिलकशी में ज़रा फ़र्क नहीं आने दिया जाता। उस बाग का शुमार दुनिया की शानदार बागों में होता है। यही वजह है कि जब किसी दोस्त मुल्क का सरबराह, बादशाह, वज़ीर या कोई नामूर शख्स पाकिस्तान आता है, तो लाहौर में शालामार बाग की सैर ज़रूर करता है। मौजिज मेहमान को इस्तकबालिया अमूमन उसी बाग में दिया जाता है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए बेल आइकन को क्लिक करें।